मैं इस वक्त तेतरिया गांव में मौजूद हूं। यहां के लोग पिछले 3 सालों से चापाकल खराब होने के कारण मजबूर हो चुके हैं कि वो झरने के गंदे पानी को उपयोग करें। आइए देखते हैं साहेबगंज की ये रिपोर्ट। आपके घर में पानी की कोई व्यवस्था है या नहीं? कोई व्यवस्था नहीं है। आपके गांव में? मेरा गांव में और सब गांव में है, 3-4 गो गाँव है, नहीं है। बोरिंग हुआ था लेकिन बोरिंग खराब हो गया, और पहले हम लोग पैसा लिए इसके बाद ठीक करवाएं, इसके बाद नहीं है। अभी तो कहाँ से पैसा उपाय करेगा, सब नहीं कर पा रहा सब। चापाकल था पहले? चापाकल था। कितना चापाकल है इस गांव? 3 गो है। तीनों अभी सही है? नहीं, खराब है सब। तीनों तीनों खराब है? तीनों खराब है। तो उसके लिए आप लोगों ने कुछ किया? नहीं, कर चुके थे खाली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सभी झरने के पानी से नहाते हम लोग। ऐसे अभी सूख जाएगा थोड़ा देर में, तो सूख ही जाएगा, फिर कुआं में फिर पानी भी सूख जाता है। तो पीने का व्यवस्था नहीं है तो कहाँ से कपड़ा धोवा लोग, कपड़ा वपड़ा धोएंगे? काम करें चाहते हैं आप लोग बनाने के लिए, पानी की व्यवस्था हो जाए, चापाकल ठीक हो जाएगा, फिर हम लोग सुविधा में रहेंगे। रात बिहार में पानी लेने के लिए बहुत दिक्कत है, बच्चा उच्चा कपड़ा धोना भी दिक्कत लगता है। हम लोग पीने का पानी कहाँ से लाते हैं? कुंजा से लाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके उठाते हैं। कितना दूर है आपके गाँव से? बहुत दूर है। इस गांव में सभी चापाकलों के बीच एक ऐसा चापाकल भी मौजूद है जो कभी पूरा ही नहीं हुआ, आज भी वो झाड़ियों के बीच अधूरा ही पड़ा है। इस समस्या को लेकर पूर्व में प्रखंड विकास पदाधिकारी बोरियो को सूचना दी गई थी। हाल ही में बोरियो विधानसभा के विधायक लोबिन हिमरम को भी लिखित सूचना दी गई, लेकिन अब तक इस समस्या पर कोई सुनवाई नहीं की गई है। विभागीय लापरवाही के कारण यहाँ के चापाकल अब तक खराब हैं। मैं यहाँ की समस्या के समाधान के लिए पेयजल विभाग तक जाऊंगी ताकि यहाँ समस्या का समाधान हो पाए। आप सबसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं शिखा कुमारी, जिला साहेबगंज, झारखंड से, इंडिया अनहट के लिए।